सबसे भीषण युद्ध हुआ राम रावण का और अर्जुन और कर्ण का, और दोनों ही युद्ध खतरनाक हुए, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। कर्ण और अर्जुन का युद्ध दुनिया के सबसे विभत्स युद्ध में से एक था, और सर्वश्रेष्ठ होने की चुनौती थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ। तो कहते हैं कि जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था तो कर्ण ने बाण चलाया और इतना शक्तिशाली था वो बाण, जब अर्जुन के रथ के पहिए में लगा तो अर्जुन का रथ कहते हैं कि 3 कदम पीछे खिसक गया। अब बारी प्रत्युत्तर देने की अर्जुन की थी। अब अर्जुन ने बाण का संधान किया और जब कर्ण के रथ पे अर्जुन का तीर लगा तो कहते हैं कि कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला। तो अर्जुन ने भगवान को कहा, देखा साबित हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब उसने तीर चलाया ओनली द 3 स्टेप्स, जब मैंने तीर चलाया तो 7 कदम। यहां अपना इनका रोल चालू होता है। भगवान ने कहा तूने वही देखा जो तुझे दिखाई दिया है, बस अब मैं तुझे वो दिखाता हूं जो तुझे दिखने वाला है। उसने बोला मैंने सब देखा है अपने आंखों के सामने। उसने बोला जब उसने तीर चलाया और तेरा रथ 3 कदम पीछे हुआ तो देख पागल तेरे रथ पे मैं बैठा हूं, पूरी दुनिया का बोझ मैं बैठा हूं खुद, और देख तेरे रथ पे ऊपर कौन बैठा है जिसकी पूंछ तेरा भाई हिला ना सका था, और तुझे अभी भी एहसास नहीं है तो रुक। तो गीता ये कहती है, अगर आप पढ़ें तो भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी गायब हुए, भगवान ने अपने आप को भार विहीन कर लिया और कर्ण का अगला तीर अर्जुन के रथ को आकाश में ले गया। भगवान ने कहा बिकॉज ऑफ अपलाइन यू आर स्माइलिंग। Because of upline, you are smiling.